समय दृष्टि शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम, घड़ी, मोबाइल, चश्मे, पर्स, बेल्ट और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर, पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से। छतरपुर जिले के बिजली विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता समेत 3 कर्मचारी 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सागर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला कायम किया है। जानकारी के मुताबिक बजरंग नगर में रहने वाले शैलेंद्र रैकबार के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था। विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता रिंकू मैना, टेस्टिंग सहायक प्रवीण तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दास दुबे बिजली चोरी का प्रकरण न बनाने की एवज में उससे 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी, जो देने में फरियादी शैलेंद्र सक्षम नहीं था। आखिर में 80,000 रुपए में सौदा तय हुआ। इसी बीच उसने इस बात की शिकायत सागर लोकायुक्त पुलिस से की। मैंने शिकायत की थी कि मेरे यहाँ एक दोना फैक्ट्री मैंने अभी चालू की थी, तो किसी ने शिकायत कर दी तो हमारे यहाँ ये गए, बिजली प्रकरण का मेरे ऊपर केस बनाया और बनाए रहे थे। इसके लिए उन्हें 1,00,000 रुपए की हमसे रिश्वत की मांग की थी। 2-3 दिन का समय दिया गया था, तो उसमें मैंने अरेंज करके 80,000 रुपये लेके आया था। कब दिए आपने पैसे, किसने मांग की थी, क्या था पूरा? रिंकू मैना जो सहायक अभियंता हैं उनके द्वारा मांग की गई थी, और उसमें TA साहब हैं प्रवीण तिवारी, उनने कहा था कि आप 80,000 से 90,000 रुपये लेके आइए, हम आपका जो है आपके ऊपर विद्युत प्रकरण नहीं करवाएंगे और आपका जो है केस खत्म करवा देंगे। अभी किसको आपने पैसे दिए थे, क्या था? पैसे मैंने प्रवीण तिवारी और घनश्याम दुबे दोनों साथ में ही थे, और साहब ने कहा था कि इनको दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा, और हमने आवेदन साहब को ही दिया, तो उन्हीं ने कहा, वहीं उन्हीं के रूम से दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि आप पैसे इनको दे दीजिए और आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। कौन है ये पैसे दिए? वो लाइनमैन है, लाइनमैन और TA साहब, मतलब क्या सर? हाँ, उन्हें सीधा बोला था कि आप जाइए TA साहब से मिल लीजिए और TA साहब को आप पैसे दे देना। तब क्या लोग इसमें शिकायत की टीम काम जज कार्रवाई कर रही है? हाँ, लोग की टीम कार्रवाई कर रही है, वो मेरे इशारे से पीछे खड़ी हुई थी और आके तत्काल उन्हें जैसे ही मैंने पैसे दिया और इशारा किया, वो आके उन्हें तत्काल लगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जब शैलेंद्र सहायक अभियंता रिंकू मैना के चैम्बर में 80,000 रुपए की रिश्वत दे रहा था, तभी लोकायुक्त पुलिस ने तीनों कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिन पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसको लेकर लोकायुक्त DSP राजेश खेड़े ने जानकारी दी। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है विद्युत मंडल छतरपुर में। सहायक यंत्री रिंकू मैना और TA जो है तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दुबे को आज हमने जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक ने 25 तारीख को एक शिकायत की थी कि उससे जो है बिजली चोरी का फर्जी प्रकरण बनाने एवं उसका जो है स्थायी मीटर कनेक्शन लगाने के एवज में उससे 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, और जिस पे जो है उसको तस्दीक किया गया और सही पाए जाने पर उससे 80,000 रुपए की जो रिश्वत की मांग की जा रही थी, आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है और आज हमने विद्युत मंडल छतरपुर में सहायक यंत्री रिंकू मैना, TA जो तिवारी और लाइनमैन को जो है 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर टीवी न्यूज। समय दृष्टि सागर शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, मोबाइल, पर्स, बेल्ट और सभी प्रकार की एसेसरीज और सभी प्रकार की घड़ियाँ और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर, एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9131345288, 9424788000।